आज की जनरेशन के ज्वाइंट का मतलब कुछ और ही होता है. अनु सर, ज्वाइंट भी कैसा कमाल का वर्ड है ना, मतलब बुजुर्गों के खराब रहते हैं, जवान लोगों के तैयार रहते हैं. अनु, ज्वाइंट फैमिली मतलब सांझा परिवार, ज्यादा लोग होते हैं जिसके अंदर. उसका मजा तब आता है जब बहुत बड़ा घर हो, सबके अपने अपने कमरे हो. ये थोड़ी होता है 10 भाई 10 बीवियां 30 बच्चे कमरे दो. अपने घर में इतनी भीड़ होती है, आदमी खुद सोच रहा होता है कि यार थोड़ा घर का ट्रैफिक कम हो जाए फिर ही घर जाऊं. हमारी ज्वाइंट फैमिली ऐसी है, मतलब आधा घंटा पड़ोसी घर में घुस जाए उसको समझ ही नहीं आता कौन सी बीवी किसकी, कौन सा बच्चा किसका है. मतलब इतने ज्यादा लोग हैं. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमको रात को सोने में, क्योंकि 30 लोग हैं सर, कमरा एक. ऐसे लाइन लगा के सो रहे होते हैं जैसे पुलिस ने इनकाउंटर के बाद आतंकवादियों की लाशें नहीं बिछाई होती. मतलब आपने कभी साइकिल स्टैंड देखा है सर? कभी तो देखा होगा सब लोगों ने, 10 साइकिल खड़े होते हैं, एक को हाथ लगाओ सब ऐसे ऐसे गिर जाते हैं. हमारे घर में भी ऐसे है, 30 लोग सो रहे हैं, एक करवट ले सबको लेनी पड़ती है. आप यकीन मानो हम लोग इतनी तंग जगह में रहते हैं कि सब लोग चश्मा नहीं लगाते, दूरबीन लगाते, कम से कम दिखे तो दूर. इस चक्कर में 2-3 बार गलत उंगली कर चुके हैं. मतलब सर 30 लोग ऐसे सो रहे होते हैं, इतना सट के सो रहे होते हैं, किसी को दर्द भी होना तो वो आग की आवाज निकालता नहीं, पता नहीं सुबह क्या सोचेंगे. आप यकीन मानो हमारे घर में कभी चोरी नहीं हुई, क्योंकि जब 30 लोग एक साथ खराटे लेते हैं ना, चोर को लगता है कि बाहर कोई फैक्ट्री में काम चल रहा है. चलो खैर, कैसे तैसे करके रात निकल गई अनु जी. दिन हम लोगों पे बहुत भारी चढ़ता है. 30 लोग सर, बाथरूम एक. मतलब इतनी लंबी लाइन कनाडा एम्बेसी के बाहर नहीं होती पंजाबियों की, जितनी हमारे बाथरूम के बाहर होती है. मतलब बाथरूम भी हमने एक साल पहले बनवाया, इससे पहले खुले में. मतलब गांव के किसान हमको ठेका देते थे, जो ज्यादा पैसे देगा पूरा परिवार उसके खेत में खाद करके आएगा. और सबसे कमाल की बात यह है, 2 साल पहले दादा सुबह सुबह 5 बजे ड्यूटी पे गए. सुबह सुबह 5 बजे कौन चश्मा लगाता है सर, इतना सा गन्ना था दिखाई नहीं दिया. तो आप इमेजिन करो प्रीतो के मुंह में बीड़ी, नीचे गन्ना, ना हवा के आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, हार्ट अटैक से मर गए बेचारे. मतलब उसके बाद फिर उस किसान ने, वो वहां से निकले नहीं है गन्ना के बाद से. क्या बोल दिया तूने सर? वो तो निकल लिया, गन्ना नहीं निकला. मतलब फिर हमको उस किसान ने 50,000 रुपए दिए कि यार ऐसे मेरे पे केस मत कर देना. तो फिर हमें किसी बड़े ने बताया कि जहां की कमाई है वहां लगा दो, फिर हमने बाथरूम बनवा लिया. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, अब दादाजी की याद में बाथरूम बनवाया तो अंदर उनकी फोटो भी टंगी हुई है. इस चक्कर में घर की बहुएं आज भी घूंघट ओढ़ के नहाती हैं कि दादाजी देख रहे हैं.